अब हम पढ़ेंगे पैन कमांड। पैन कमांड क्या करती है? पैन कमांड शीट को मूव करती है, मतलब कि शीट को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए पैन कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। इससे क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट स्क्रीन के साइड पे हो तो उसको स्क्रीन के ऊपर ला के देखने के लिए पैन का इस्तेमाल करते हैं। इसमें ऑब्जेक्ट मूव नहीं होता, सिर्फ शीट मूवमेंट होती है। जिस जैसा कि जूम में आपने बड़ा ऑब्जेक्ट बड़ा छोटा होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट करीब होता है या दूर होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट के साइज़ों के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह पैन की कमांड से भी ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल नहीं होता, बल्कि जो ऑब्जेक्ट है वो सिर्फ मूवमेंट कर रहा होता है। पैन की कमांड जो है ये एक हाथ का सिंबल होता है, क्या पी इसकी कमांड लाइसिस है। पी लिख के एंटर किया तो हैंड का सिंबल बन गया, क्रॉस हेयर जो था। अब ये देखें, जिधर को मैं क्लिक करके ड्रैग करूँगा वो उधर को मूवमेंट करेगा। किसी भी सिमत में आप शीट को मूव करवा सकते हैं। ये थी इसकी कमांड लाइसिस। उसके अलावा व्यू मेन्यू में से भी हम इसको एक्टिव कर सकते हैं। व्यू मेन्यू के अंदर पैन, पैन के अंदर ये सारी ऑप्शन पैन की हैं, रियल टाइम पैन बाय डिफॉल्ट जो पहली ऑप्शन है, इस पर क्लिक किया तो ये देखें हैंड का सिंबल आ गया। तो जब भी ये हैंड का सिंबल स्क्रीन पे आपको शो होता दिखाई देगा तो शीट मूवमेंट होगी। उसके अलावा स्टैंडर्ड टूल बार में भी इसका आइकन मौजूद है। स्टैंडर्ड टूल बार में भी जाके आप पैन की कमांड को एक्टिव कर सकते हैं। तो ये था लेक्चर पैन का।